60 से ज्यादा वंदे भारत अभी तक पटरियों पर दौड़ रही हैं। रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा, रेल मंत्री द्वारा 75 वंदे भारत का वादा है जो उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, फिर चलते चलते कुछ कमियां हैं उनको सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। लेकिन 75 वंदे भारत चलवाने के टाइम पे 60-61 पे हम अभी खड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ, हर महीने दो से तीन वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है ऑन व्हील्स थ्रू आउट इंडिया। सितंबर महीने में ही 2 तारीख को 3 वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो चुका है, मेरठ से लखनऊ, बेंगलोर से मदुरई और चेन्नई से नागरकोइल। और आने वाले 15 तारीख को भी 4 वंदे भारत का इनॉग्रेशन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी टाटा नगर से ही 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और ये वंदे भारत अपने काम पे लग जाएंगी अलग अलग रूट्स के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि एक साथ ये 4 वंदे भारत झारखंड से ही स्टार्ट होंगी। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वंदे भारत है। हालांकि अभी इन्फॉर्मेशन थोड़ा ऊपर नीचे आ रही है, लेकिन 15 तारीख को सबकी इनॉग्रेशन होना है ये पक्का है। और 2 तो ट्रायल भी होने वाले हैं, 8 सितंबर को और 10 सितंबर को ट्रायल रन भी होने वाला है। और उसके बाद उनके रैक्स भी स्टेशंस पे आ चुके हैं जहां से उनको ट्रायल लेना है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वंदे भारत है जिनको 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ग्रीन सिग्नल दिखाने वाले हैं। आइए सबसे पहले टाटा नगर से पटना के लिए चलेगी। टोटल जो किलोमीटर्स हैं वो 498 किलोमीटर्स के लिए ये चलेगी। टाइमिंग लगभग 9 घंटे के आसपास का है, ऊपर नीचे आधा एक घंटा हो सकता है, 9 घंटे का अभी बताया जा रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। मैंने IRCTC पे भी चेक किया, अभी ये जो 4 ट्रेनें हैं वो वहाँ पे लिस्ट नहीं हुई हैं, टिकट्स नहीं दिखा रही हैं, लेकिन मीडिया में प्लस गवर्नमेंट के अथॉराइज्ड ट्विटर हैंडल्स में और ब्लॉग्स वगैरह में दिखा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 15 तारीख से ये 4 ट्रेनें स्टार्ट होने का है। टिकट्स अभी IRCTC पे नहीं हुई है, शायद 10, 12, 13 तक स्टार्ट हो जाएं, या फिर 15 तारीख को एक स्टार्टिंग इनॉग्रल जर्नी के बाद हो, जो भी होगा आपको इस पेज पे पता चल जाएगा, इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए जान लेते हैं एक तरफ से टाटा नगर से पटना 498 किलोमीटर्स के लिए 9 घंटे के आसपास का टाइमिंग दिया गया है। अभी कितने बजे चलेगी, कितने बजे पहुंचेगी, वो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। नेक्स्ट जो ट्रेन है वो है टाटा नगर से ही ब्रह्मपुर। टाटा नगर इज अगेन इन झारखंड और ब्रह्मपुर जो है वो ओडिशा के लिए है। इसका जो पूरा जर्नी है वो लगभग 510 किलोमीटर की रहेगी और इसकी भी जो टाइमिंग है वो 9 घंटे के आसपास बताई जा रही है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का इसका जो टाइम है वो 5:20 है सुबह टाटा नगर से, और ब्रह्मपुर पहुँच जाएगी ये 2:30 दोपहर में। आधा घंटा वेट करने के बाद अगेन 3 वहाँ से निकलेगी और रात को 11:55 पे टाटा नगर आ जाएगी। अभी ये हफ्ते में कितने दिन चलेगी, कौन से दिन इनको रेस्ट मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है मेरे पास। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो ट्रेन है वो है देवघर से वाराणसी। देवघर बाबा भोलेनाथ का स्थान है, बहुत सिद्ध जगह है, कांवड़िए बहुत बड़े संख्या में जाते हैं और उसके बाद भी बिहार बहुत बड़ा, अभी आने वाले दिवाली और अपना हर छठ उत्सव के लिए तो ज़बरदस्त भीड़ जाएगी। तो देवघर से वाराणसी के लिए 455 किलोमीटर का ये रास्ता तय करेगी और इसकी जो टाइमिंग बताई गई है वो 8 घंटे के आसपास बताई गई है। नेक्स्ट जो है वो है रांची से दुमका। रांची से दुमका ये जो चलने वाली है, इसमें बोला जा रहा है कि ये मिनी वंदे भारत चलेगी, जो 8 डब्बों की आती है वो चलेगी। और इसका टाइमिंग और कब चलेगी, कौन से दिन वेट करेगी, कौन से दिन रेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई है। तो ये जो 4 वंदे भारत ट्रेन जो 15 तारीख को मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे और ये 4 ट्रेनें अपने अपने डेस्टिनेशन से के तरफ चली जाएंगी, टाटा नगर से पटना, टाटा नगर से ब्रह्मपुर, देवघर से वाराणसी एंड रांची से दुमका। ये 4 वंदे भारत हैं जो झारखंड से स्टार्ट होंगी और 15 तारीख को मोदी जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। जैसे ही इनका IRCTC पे कोई अपडेट होता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा फॉर टिकट बुकिंग एंड कैंसिलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।